नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल एबीसी स्टार कोचिंग क्लास में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं परिसंचरण यानी सर्कुलेशन, जो हमारी बॉडी में सर्कुलेशन है, परिसंचरण किस तरह होता है। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं परिसंचरण। क्या बात करें? परिसंचरण, जो परिसंचरण है, परिसंचरण यानी क्या बोलते हैं? सर्कुलेशन। ठीक है, क्या सर्कुलेशन, जो परिसंचरण है हमारी बॉडी में किस तरह से क्या होता है, कैसे, ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है। तो जो परिसंचरण है यानी सर्कुलेशन जो है, इसकी जो डिफिनेशन होगी, तो यहाँ पे आप डिफिनेशन दे सकते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पे डिफिनेशन की होगी? हाँ, इसकी जो परिभाषा लिखेंगे यहाँ पे, परिसंचरण, परिसंचरण एक ऐसी जैव प्रक्रिया है जिसमें शरीर के एक भाग से अथवा संश्लेषित पोषक पदार्थों का स्थानांतरण दूसरे भाग तक होता है। ठीक है, इसकी डिफरेंशिएशन है ये है। ठीक है, अब बात करें जो परिसंचरण है, जो परिसंचरण तंत्र, यानी अब बात कर ले, हमने देख लिया है क्या है परिसंचरण है। अब देखते हैं परिसंचरण तंत्र। ठीक है, अगली रीडिंग क्या यहाँ पे होगी, जो अगले टॉपिक है परिसंचरण तंत्र। ठीक है, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो जो इसकी परिभाषा हम क्या देंगे परिसंचरण तंत्र की, तो आप इसकी परिभाषा दे सकते हैं, क्या देंगे यहाँ पे, मानव एवं अन्य कशेरुकी प्राणियों के शरीर में परिवहन हेतु एक सुविकसित अंग समूह पाया जाता है जिसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ठीक है, ये परिसंचरण। ठीक है, अब यहाँ जो याद के लिए टॉपिक है, आपको याद करना है, यहाँ पे है ये टॉपिक है कि परिसंचरण तंत्र की खोज, यहाँ पे परिसंचरण तंत्र की खोज यानी परिसंचरण की खोज, इसकी खोज वैज्ञानिक विलियम हार्वे ने 1628 में किया था, 1628 ईस्वी में किया था। ठीक है, यह है परिसंचरण। ध्यान दीजिए, जो परिसंचरण तंत्र होता है ये दो टाइप का होता है, एक होता है बंद परिसंचरण तंत्र और एक होता है खुला परिसंचरण तंत्र।
थोड़ा सा इसको पढ़ने से पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं यहाँ पे कि परिसंचरण तंत्र जो है इसका कार्य क्या है, क्या करती है परिसंचरण तंत्र, ठीक है। तो पढ़ने आप परिसंचरण तंत्र के कार्य, ठीक है। अब यहाँ देखो अगला टॉपिक क्या है, परिसंचरण तंत्र के कार्य, परिसंचरण परिसंचरण तंत्र के कार्य, परिसंचरण तंत्र के कार्य, ठीक है। या फिर फंक्शन ऑफ, फंक्शन फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये परिसंचरण तंत्र है, इसके कार्य क्या है, ये क्या करता है, ठीक है। इसके जो कार्य है तो उसे यहाँ पढ़ने कार्य क्या कहें से, तो पहला कार्य इसका जो है, यहाँ पे पहला कार्य इसका जो है नंबर एक, यह पोषक पदार्थों का परिग्रह करता है, पोषक पदार्थों का, पोषक पदार्थों का परिवहन, पोषक पदार्थों का परिवहन। तो जैसे बात करें जो पोषक पदार्थ होते हैं, जैसे मैं बात कर लूँ यहाँ पे, तो पोषक पदार्थ होते हैं जैसे लिख लूँ यहाँ पे, जैसे ग्लूकोज ग्लूकोज विटामिन विटामिन वसा अम्ल आदि, ठीक है। इस तरह से इस नंबर एक कर क्या है, ग्लूकोज विटामिन वसा और सॉरी वसा अम्ल आदि का परिवहन करता है, परिसंचरण तंत्र में परिवहन करता है। तो ध्यान दो, दूसरा कार्य है इसे, तो दूसरा कार्य सकते हैं यहाँ पे, नाइट्रोजनी 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 पदार्थों का परिवहन, पदार्थों का परिवहन। तो नाइट्रोजनी पदार्थ जैसे मैं बात कर लूँ, जो हमारे बॉडी में नाइट्रोजनी पदार्थ होते हैं वो हानिकारक, बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं। तो मैं बात कर लूँ यहाँ पे, जैसे क्या करती है, यहाँ बात कर लूँ मैं यहाँ पे यूरिक अम्ल, क्या होता है यूरिक अम्ल और यूरिया, ठीक है, क्या है यूरिया, ये क्या है यूरिया, जो हमारी बॉडी क्या करते हैं यहाँ पे, ये एक प्रकार का नाइट्रोजन पदार्थ, यानी इसका हम फॉर्मूला की बात कर लें, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है NH2CO NH2, इसका फॉर्मूला होता है, या भी आप ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे, या ये जो फॉर्मूला होता है कहीं कहीं ये भी लिखता है, मतलब वही इसका है, बाकी तरीका अलग अलग है, ठीक है। या फिर ये हो गया यूरिया, या भी होता है यूरिक अम्ल हो गया, अमोनिया हो गया, सॉरी अमोनिया भी नहीं, ये है अमोनिया, अमोनिया इसका फॉर्मूला होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे NH3, ये है अमोनिया, ये खतरनाक पदार्थ होता है, ये अमोनिया हो गया आदि, कहते हैं आदि आदि पदार्थों का, आदि पदार्थों का परिवहन, नहीं आदि का, कहते हैं आदि पदार्थों को उत्सर्जी उत्सर्जी अंगों तक पहुंचाना, अंगों तक पहुंचाना, ठीक है। इससे काम क्या आते हैं, अब नाइट्रोजन जैसे यूरिक अम्ल है, यूरिया है, अमोनिया आदि पदार्थों का उत्सर्जक तक पहुंचाना, ये है परिसंचरण तंत्र के कार्य। एक कार्य बता लें थोड़ा सा, नंबर तीन जो कार्य इसका है, तो इसका तीसरा कार्य है ये ऑक्सीजन का परिवहन, ठीक है, ऑक्सीजन का परिवहन, ऑक्सीजन का परिवहन, ऑक्सीजन का परिवहन। तो बात कर लूँ यहाँ पे ऑक्सीजन का परिवहन, ऑक्सीजन का परिवहन फेफड़े फेफड़े तथा ऊतकों ऊतकों व कोशिकाओं तक होता है, कोशिकाओं तक होता है, ठीक है। अगर चौथा कार्य है, लास्ट वाला क्या कार्य देखते हैं, चार नंबर, जैसे चौथा कार्य है हार्मोन्स का परिवहन, हार्मोन्स का परिवहन, ये इसके चार कार्य होते हैं, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य इसके हैं। तो इस तरह हम इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ पे अलग टॉपिक है, हम बात कर लेते हैं जो परिसंचरण तंत्र है, ये जो दो टाइप का होता है, किस तरह खुला परिसंचरण तंत्र क्या है और बंद परिसंचरण तंत्र क्या है, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, आप नोट कर लीजिए फटाक से, ठीक हो गया, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। अब देखना है
परिसंचरण तंत्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र, ठीक है, ये क्या बोलेंगे, परिसंचरण तंत्र के प्रकार, परिसंचरण तंत्र के, परिसंचरण तंत्र के प्रकार, ठीक है, परिसंचरण तंत्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, जिसका कार्य है, जो जो भाग है, कितने टाइप होता है, दो टाइप का, यहाँ बात कर लें, एक नंबर एक होता है खुला परिसंचरण तंत्र, खुला परिसंचरण, खुला परिसंचरण तंत्र, ठीक है, खुला परिसंचरण तंत्र, या क्या बोलते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, और दूसरा जो है बंद परिसंचरण तंत्र, ठीक है, क्लोज क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, बंद परिसंचरण तंत्र। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे जो इसी का किस तरह से यहाँ पे जो पहला टॉपिक है, अच्छा पूरा लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे थोड़ा सा, सिस्टम, ठीक है, यहाँ पे क्या परिसंचरण होगा, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, परिसंचरण तंत्र, देखिए ये क्या है, खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र। तो जो खुला परिसंचरण तंत्र है इसकी जो डिफिनेशन होगी हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं यहाँ पे, जिसकी परिभाषा होगी, क्या लिखेंगे यहाँ पे परिभाषा इसकी, हम तो ध्यान दीजिए, लिखेंगे खुले परिसंचरण तंत्र में, खुले परिसंचरण, खुले परिसंचरण तंत्र में, तंत्र में रक्त कुछ समय अंतराल रक्त कुछ समय अंतराल रुधिर वाहिनियों में बहने के पश्चात खुले स्थानों पर प्रवाहित होता है। और थोड़ा जो याद करें टॉपिक यहाँ पे क्या है, यह परिसंचरण आर्थ्रोपोडा और मोलस्का संघों के जीवों में होता है। यानी कोई बात करेगा तो बोल दीजिएगा जो खुला परिसंचरण तंत्र है ये ज्यादातर या अधिकतर आर्थ्रोपोडा और संघ अला क्या बोलते संघ मोलस्का संघों के जीवों में होता है। तो इसको आप जानते हैं आर्थ्रोपोडा जो है इसको कैसे आप पहले सिंपल सा है, इसके लक्षण जो होते हैं जैसे दुनिया में जितने कीट हैं जिनमें छः पैर होते हैं, ठीक है, जिनमें छः पैर यानी तीन जोड़ी पैर होते हैं, छः पैर जिनमें जिन जीवों में छः पैर होते हैं वो सब संघ आर्थ्रोपोडा में आते हैं। यह संघ सबसे बड़ा संघ होता है, इस संघ के जीव जो होते हैं जल स्थल वायु हर जगह पाए जाते हैं, ठीक है, संघ के बारे में बाद में पढ़ाऊंगा, पहले याद दीजिए कि संघ आर्थ्रोपोडा यानी जिसके शरीर में छः पैर पाए जाते हों या तीन जोड़ी पैर पाए जाते हों। तो ध्यान दीजिए जैसे मान लीजिए मैं मक्खी बात कर लूँ, इसमें क्या छः पैर होते हैं, मच्छर में छः पैर होते हैं और बिच्छू में छः पैर, ये सब क्या आर्थ्रोपोडा के संघ के प्राणी हैं। तो यहाँ हम एग्जांपल की बात करें, जैसे मान लो यहाँ पे एग्जांपल जो है यहाँ पे लिख लो जैसे
क्या हो यहाँ पे, मच्छर, मच्छर, मक्खी, अब बात कर लूँ यहाँ पे कीट, ठीक है, आदि बहुत सारे हैं, ठीक है, बस इतने लिख रहे हैं यहाँ पे। तो इस तरह से ये सभी जीव क्या आर्थ्रोपोडा संख्या जीव हैं जिनमें छह पैर होते हैं। इनमें क्या होता है, खुला परिसंचरण तंत्र, यानी क्या होता है, ये जो इस जीव होती संख्या इसमें क्या होता है कि क्या जैसे आप मच्छर है उनकी जो बैक टंकी होती बड़ी सी, वहां पे ब्लड भरा रहता है, यानी रुधिर वाहिनी में नहीं बहता, इनका जो खुले स्थान है ब्लड वहां पे प्रवाहित इकट्ठा हो जाता है, जिससे क्या होता है एक टंकी होती है, जिससे मैं मच्छर बता, मच्छर का तो उनके जो बैक साइड में रेड कलर का दिखता है पूरा टंकी जो होती है, वो मच्छर क्या होता है एक ब्लड बैंक, क्या होता है एक प्रकार का ब्लड बैंक होता है, जो उनके बैक साइड होता है वहाँ पूरा जितना ब्लड है सब भरा रहता है पूरी तरह से, वहाँ पे एकदम बंद रहता है, यानी उनका ब्लड क्या होता है कि रुधिर वाहिनी में इनका, जैसे मान लीजिए मच्छर के पैर तोड़ दीजिए, उखाड़ दीजिए, बड़ी मक्खी पैर तोड़ दीजिए, वहाँ पे ब्लड नहीं निकलता क्योंकि वहाँ रुधिर वाहिनियाँ नहीं होती, इसलिए उनका पूरा ब्लड क्या होता है बैक साइड यानी पूरी तरह से इकट्ठा एक टंकी में भरा रहता है पूरी तरह से एकदम। तो इसलिए क्या होता है उनमें अगर उनकी टंकी छेद हो गया तो पूरा ब्लड बह जाएगा, लेकिन जैसे बात है वो टंकी छेद उनको जो खून देखो गाढ़ा होता है, छेद करने जल्दी निकलता नहीं है, तो कुछ लोग क्या करते हैं बस उसको रख के हम संभाल देते हैं, खत्म कहानी उसकी। तो इस तरह से क्या होता है जैसे मान लो काकरोच है, मक्खी है, मच्छर है, इन सब में क्या होता है पूरा ब्लड एक जगह इकट्ठा रहता है, ठीक है, उसे क्या उसे कितना ही पैर तोड़ो वहां से ब्लड नहीं निकलता। तो इस तरह से क्या होता है एक खुले परिसंचरण तंत्र, ठीक है, खुला परिसंचरण तंत्र है। तो ध्यान दीजिए जो बंद परिसंचरण है जो दूसरा वाला है, आप देखो दूसरा पॉइंट यहाँ पे यहाँ लिखते हैं बंद, ठीक है, इतना हो गया ये बंद परिसंचरण, परिसंचरण बंद परिसंचरण तंत्र में, तंत्र में रक्त का प्रवाह, रक्त का प्रवाह बंद नलिकाओं में, बंद नलिकाओं में, बंद नलिकाओं में होता है, होता है। ये नलिकाएं पूर्ण सुविकसित होती हैं, पूर्ण सुविकसित होती हैं, पूर्ण सुविकसित होती हैं। आप लोग ये सोच रहे हैं जब वो बंद है तो कैसे प्रवाह होगा उसमें, यार बंद मतलब ये जो नलिकाएं होती हैं वो नलिकाएं मतलब एक जैसे पाइप होती है यार, पाइप ये है देखो पाइप है ना, इसमें क्या होता है इसमें रुधिर ऐसे बहता रहता है ऐसे ऐसे, यानी ऊपर से बंद है ना, ऊपर से बंद है और चार बंद इसी में रुधिर क्या होता है बहता रहता है हमारे बॉडी हर एक पार्ट में, क्या होता है रुधिर नलिकाएं मौजूद है, ठीक है। जब बात कर लो रुधिर हो गया, क्या होता है रुधिर नलिकाएं मान लीजिए धमनी, शिरा, केशिकाएं, इस समय क्या रुधिर पूरी तरह से बह रहा है पूरी तरह से, मतलब ये बंद नलिका जो पूरी तरह से क्या होती है क्लोज होती है, बंद होती है और उससे रक्त का प्रवाह होता रहता है, ठीक है, हमारी बॉडी में हर जगह, ठीक है, जहां इसके लिए हर जगह क्या होता है रक्त का प्रवाह होता रहता है, मतलब उसमें क्या होता है हमारे बॉडी में कि खुल बंद परिसंचरण, यानी हमारा जो ब्लड है वो नलिकाओं में बहता रहता है, ठीक है, नलिकाओं केशिकाएं, और क्या होता है धमनी सिर में पूरी तरह से बंद पैक बहता रहता है, ठीक है, ये हो गया बंद और खुला परिसंचरण तंत्र, ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए फटाक से। इसमें का एग्जाम्पल की बात कर लो, एग्जाम्पल यार बहुकोश की जो यार, हालांकि इसमें भी बहुकोश की जो बात है कि बहुकोश इसे पाल लीजिए हम में है और क्या होता है इंसान में, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली बकरी इस सब में क्या होता है बंद परिसंचरण तंत्र, ठीक है, इस तरह से क्या रक्त का प्रवाह होता रहता है नलिकाओं में, होता रहता है नलिकाओं में होना है क्या बंद परिसंचरण तंत्र है, ठीक है, नोट कर लीजिए फटाक से।